इसके अलावा शिया के अंदर एक चीज़ इस महीने में पाई जाती है, शिया अमाज़ून से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान किसी न किसी एतबार से उनसे यानी उनकी चीज़ें देखते हैं, तो ये बहुत सारे गैर मुस्लिम इसको इस्लाम समझते हैं। आप इंटरनेट वगैरह पर देखेंगे तो इसको इस्लाम के अमाल में से एक अमल शुमार किया जाता है। लोग लाइन से खड़े हुए हैं और मातम चल रहा है, पीट रहे हैं, सीना पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, पीट रहे, पीटते 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 लाल हो गया, खून निकलना शुरू हो गया, मातम क्या चल रहा है भैया। तो ये हज़रत हुसैन की शहादत का गम मना रहे हैं। ये क्या है, अपने आप को पीटना, अपने आप को मार। अब फिर उसमें फिर नए नित नए तरीके ईजाद होते हैं, फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास बने हुए हैं कि उसको धीरे धीरे भी आप मुसलसल मारते रहें, पूरा आपका खून टप 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 शुरू होना, बहना शुरू हो जाएगा, पूरी पूरी पीठ जो है खून आलूद हो जाएगी। फिर उसमें फ़ख्र समझना, अपने सर में मारना, लोहे की चीज़ें ये वो आप देखें तो आप बोलें क्या कर रहा है। यहाँ तक कि इतना आगे वो निकल जाते हैं कि फ़ख्र के तौर पर अपने बच्चे के सर में भी ज़ख़म लगाते हैं, उससे खून आता है, बोलते हाँ ये वाकई है। ये कौन सा तरीका है? हमारा नबी वो है कि सहाबी रात में इबादत कर रहे हैं और रात में हमेशा इबादत करूंगा और रोज़ाना रोज़ा रखूंगा, तो आप उनके घर पे जाके बोल रहे हैं अगर ऐसा करेगा तो तेरी आंखें अंदर चली जाएंगी, हजमत आइनुक व नफिहत नफसुक, तेरा जिस्म लागिर हो जाएगा, तो कमज़ोर हो जाएगा। हमारा नबी तो ये भी नहीं करने दे रहे हैं हमको, ऐसा मत कर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की वजह से जिस्म में अगर उयूब पैदा होते हैं, ज़रर पहुंचता है उसको, कि एक सहाबी बाहर खड़े नज़र मानी धूप में खड़े रहूँगा, आपने कहा उसको अल्लाह को, अल्लाह इससे बेनियाज है, अल्लाह को ज़रूरत नहीं इसके धूप में खड़े होने की, अपने आप को अजाब दे के क्या करेगा ये, उसको साए में करो, बैठने के लिए कहो, हाँ रोज़ा वो पूरा करे। रस्सी देखी मस्जिद के अंदर, कहा किसकी रस्सी, कहा हज़रत ज़ैनब की रस्सी है, लटक के उसको पकड़ के उसको इबादत करती है, नमाज थक जाती तो पकड़ लेती, कहा खोलो उसको, हल्लो तुमको चाहिए कि जब तक नशात है इबादत करो, जब थक जाओ तो बैठो, इतना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हमारे नबी। और ये कोई सहाबी, इतने सहाबा शहीद हुए हैं, तमजा रदी अल्लाह तआला को शहीद किया गया, कान ना काट दिए मुशरिकीन ने, उनके गम में कभी अपने आप को ज़ख्म लगा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिए, ये कौन सा तरीका है। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला की शहादत हुई, उनके बेटों ने उनके बाद में जो अहले बैत में से हैं उन्होंने कभी अपने आप को इस तरह से ज़ख्म नहीं मारे, ये कौन सा तरीका है। ये सब खुराफात हैं, ये गलत तरीक़ा है, ये इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में नहीं। अगर होता तो सिर्फ ये अकेले शहीद नहीं हुए हैं, बहुत शहीद हुए हैं, कितने सहाबा शहीद हुए हैं, उनके बारे में क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने ऐसा कोई तरीक़ा अपनाया कि उनके मातम में अपने आप को ज़ख्मी करें और सीना पीटें इस तरह से करें। ये जाहिलियत की रसूमात में से है, ये जाहिलियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं लैस मिन्ना मन लतम अल-खुदूद व शक अल-जुयूब व दअ बिदअव अल-जाहिलिया, वो हम में से नहीं है जो लतम अल-खुदूद अपने गालों पर गाल पीटे, गालों पे मार के लिए इस तरह से गम की वजह से टेंशन की वजह से, और व शक अल-जुयूब और अपने कपड़े अपने गिरेबान फाड़े, व दअ बिदअव अल-जाहिलिया और जाहिलियत की तरह पुकारे, जाहिलियत के अल्फाज बोले, जाहिलियत की पुकार पुकारे, जाहिलियत के कलिमात, जैसे जाहिलियत में रो धो के किसी का नाम लेके उसके नाम की शान बयान की जाती थी मरने वाले की, कि अरे तू तो फुला था तू कैसे चला गया, अरे तू तो फुला था अब हम क्या करेंगे, अरे तू तो ऐसा था, और उसकी शान बयान जाहिलियत में ऐसा होता था कि उसके उसका मरसिया इस तरह से उसके कमालात बयान कर करके लोग रोते थे, और ये मुस्तकिल ने अमल करना पड़ता था, नहीं कि ये तो गलत हुआ,
और आज भी बहुत सारे इलाकों में ऐसा होता है, पेड रोने वाले होते हैं, रोने वालियाँ होती हैं। राजस्थान वगैरह में आप देखिए ऐसा होता है, वहाँ की एक मुसलसल रस्म इस तरह की मानी जाती है कि वहाँ पर औरतें किराए से लाई जाती हैं रोने के लिए। वो ऐसा रोती हैं कि जिसको रोना नहीं आ रहा वो भी रोना शुरू करता है। सोचिए, यानी झूठ इतना पावरफुल कभी होता है कि हाँ नहीं रोने वाले को रुला रहा है। और आप शिया के यहाँ आप मजलिस में आप देखें, वो ऐसा मातम का एक मौसम बना लेते हैं। देखिए, गम एक अपनी जगह चीज़ है, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हो या कोई भी और सहाबी और कोई और मुसलमान हो, चाहे पिछले ज़माने का हो या आज के ज़माने का हो, उसको अगर उस पर जुल्म हुआ हो और उसको जुल्मन कत्ल किया गया हो, शहादत उसकी हुई हो, दिल में गम तो हर आदमी को रहेगा। क्या हमारे दिल में गम नहीं है? क्या हमको बुरा नहीं लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को, इतने चहीते को कत्ल कर दिया गया? हमको भी गम है, लेकिन गम नबी की तरह मनाओ। और मनाना तो है ही नहीं इस्लाम में, मनाना मैं इस एतबार से कह रहा हूँ कि इजहार गम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में बच्चा है, अपना बच्चा है इब्राहिम, और दम तोड़ रहा है और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि दिल गमगीन है और आंखों से आंसू बह रहे हैं और तुम्हारे गम में ए इब्राहिम हम बहुत गमगीन हैं, लेकिन हम ज़बान से वही कहेंगे जिसमें अल्लाह की रज़ा हो। हमारे नबी ने मातम किए नहीं किए, तो ये किसका तरीक़ा है? ये जाहिलियत के ज़माने की चीज़ है जो आज इस तरह से लोगों में आई हुई है। तो आपने खुद फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, वो हम में से नहीं है जो गाल पीटे, कपड़े फाड़े और जाहिलियत की पुकार पुकारे हैं। और इसी तरह से आपने एक हदीस में फरमाया कि सौतानी मलऊनानी फिद दुनिया वल आखिरा, दो आवाज़ें हैं जो दुनिया और आखिरत में लानत की हकदार हैं। मलऊन आवाज़ें हैं, कौन सी आवाज़ है? मिज़मारुन इंद निअमतिन व रन्नतुन इंद मुसीबा। मिज़मार म्यूज़िक, खुशी के वक्त में म्यूज़िक, इस पर लानत है अल्लाह की तरफ से। मिज़मारुन इंद निअमतिन और वरन्नतुन इंद मुसीबत, और मुसीबत के वक्त में रन्ना यानी मातम करना, मातम करना। तो मुसीबत के वक्त में मातम करना ये अल्लाह के नज़दीक क्या है? गम के वक्त में मातम करना अल्लाह के नज़दीक मलऊन चीज़ है। ये दो आवाज़ें मलऊन हैं। तो इसको इमाम अल-बज़्ज़ार ने नकल किया और ये रिवायत हसन दर्जे की है, सहीहा वगैरह में शेख अल-अल्बानी ने इसको ज़िक्र किया है।